राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का किसानों के समर्थन में ढासा बॉर्डर तक पैदल मार्च। जी हां, इस समय मैं झांगरपुर गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर लोहान, तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं और जिला जज्जर भवन निर्माण मजदूर संघ इंटक के अध्यक्ष सरजीत गुलिया भी यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में यहाँ से पैदल मार्च किया जाएगा कुछ ही देर बाद। आइए बात कर लेते हैं, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर लोहान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। नमस्कार जी, आपके चैनल का भी मैं स्वागत करता हूं। जी, तो आज का यह जो पैदल मार्च है, यह क्या संदेश दे रहा है और किसानों के समर्थन में आप यहां से कूच करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हम कहना चाहते हैं कि अगर किसानों का आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन है तो किसान है तो मजदूर भी है जी, इसलिए हमें ये पूरे हरियाणा के मजदूरों को ये समझा है कि वह किसानों के इस आंदोलन में अगर हम कब पीछे रह गए तो हमारे किसानों का हालात बहुत खराब हो जाएगी। उनके साथ साथ में आज किसान के पास दो पैसे हैं तो हमारा मजदूर भी अपनी मजदूरी कर सकता है, इसलिए हमें ये समझा है कि हम इस किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेके किसानों की इस जीत को हम हासिल करें। और ये तीन काले कानून हैं और जो हमारी MSP की जो गारंटी है उसके लिए कानून बनाया जाए, इन मुद्दों को लेकर आज हमें सरकार से बातचीत भी है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज प्रदेश का मजदूर आज किसानों के संग में खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे पद यात्रा कर रहे हैं। और ये लंबी पद यात्रा ये नहीं है, चाहे हमें 6 महीने भी रहना पड़े, हम इस पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में घूमकर मजदूरों को इकट्ठे कर किसानों के समर्थन में काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे, ये हमारी अपील है। प्रधान जी, क्या लगता है, आपने कहा कि आज बातचीत का दौर भी है, क्या लगता है आपको कितनी संभावना है? हमारे पास संभावना 50% भी नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार तीन काले कानूनों पर हमें समझौता करने की और जो संशोधन करने की बात को बार बार में रख रही है, इसलिए हमारे शंका है कि आज बड़ी अच्छी बात है वैसे सरकार बात कर ले तो हमारे किसान इतनी ठंड में वहाँ से सड़कों पर पड़े हैं महीने से, 1.5 महीने से, और पंजाब के साथी तो 3-4 महीने हो गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार किसानों को देखकर अगर उसके बुद्धि में कुछ दिमाग में आए तो किसानों के तीन काले कानून वापस ले और MSP कानून बनाए, यही हमारी अपील है। बाकी हमें जो पिछली जो वारदात है, पिछली जो हमारी बैठी बैठी हुई है किसानों के साथ में, उनको देखते हुए आम जनता को इसका विश्वास बहुत कम है सरकार के। जी हाँ, और आज की वार्ता को लेकर के जो दबाव, एक तरह से दबाव है जो सरकार पर जो दबाव बनाया जा रहा है, और किसान और मजदूर दोनों एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जिला जज्जर इंटक के प्रधान है भाई सरजीत गुलिया जांगीरपुर, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रधान जी, क्या कहोगे, आज मजदूर किसानों के संघ खड़ा हो गया है, आपकी जो यूनियन है पूरे प्रदेश में कार्यरत है और आज भारी संख्या में आप कूच करने वाले हैं बॉर्डर की ओर। संजय भाई, सबसे पहले तो मैं समाचार कार्य के माध्यम से जितने भी हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको मजदूर इंटक मजदूर की तरफ से हम उनको नमन करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो अपने प्राणों की आहुति दी है देश के किसानों के लिए, तो सबसे पहले हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में जो आपने पूछा है उसका हमारा एक ही लक्ष्य है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक जो है हमारा जो इंटक का है किसान के साथ मजदूर जो है वो इसी तरह से खड़ा रहेगा। जब तक ये फैसला किसानों के हक में नहीं आएगा तब तक ये 6 महीने लगो चाहे 2 साल लगो, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष की धर्मवीर लोहान की अध्यक्षता में हम इसी तरह बॉर्डर पर जमे रहेंगे। अच्छा प्रधान जी, जो वार्ता का दौर है उसको लेकर के जो सरकार पेशकश कर रही है कि हम आपकी कुछ शर्तों को मानने को तैयार है, आपको क्या लगता है कितनी संभावना आपकी नज़र में? हमारी नज़र में यह क्लियर दिख रहा है सरकार की मंशा कुछ और है, ऐसा किसानों को जो है बहकाने का बखलाने का काम जो है इन्होंने किया है। इससे पहले भी कई आंदोलनों में जो है हमारे जो प्रदेश के थे जो अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष थे उनको बहकाने का काम करती थी सरकारें, आज वो स्थिति नहीं है। 40-43 जो हमारी यूनियनें हैं सब एक जगह खड़ी है और जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे इतने के किसान मानने वाले नहीं हैं। अच्छा नेताजी, आपने कुछ पोस्टर भी लगाए हुए हैं, अभी मैं देख रहा था पूरे झज्जर जिले में आपने पोस्टर लगाए हुए हैं, आपके जो राज्यसभा सांसद आज उनका जन्मदिवस भी है, उन्होंने किसानों के समर्थन में और जो ये शहादत हुई है इनको देखते हुए अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला किया है और आपने ये पोस्टर भी लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे? ये जो है हमारे जो राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं,
आप देखते भी थे, हर साल हम अपने कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाते थे, लेकिन पोस्टर जो हमने नए साल के उपलक्ष्य में पहले लगवा दिए थे उनका जो है संदेश बाद में आया था। और हमारे भी दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि आज हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे किसान हैं या मजदूर हैं, वह बॉर्डर पर ठंड के टाइम पर वहाँ बैठे हैं और हम यहाँ पर अगर जन्मदिन मनाते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारे को संदेश भी ये मिला था कि हम बॉर्डर पर किसानों के साथ रहेंगे और किसानों की सेवा करेंगे, इसी में जो है उनके जन्मदिन की बधाई मिलती रहेगी। बलजीत सिंह, क्या लगता है आपको, आज वार्ता का दौर भी है, कितने आश्वस्त हैं आप, क्या क्या समाधान निकल सकता है? सरकार जो है, सरकार से कोई आश्वासन नहीं है, सरकार बरगरा रही है और हमारे जो किसान नेता है उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं हमारा मुंह मत खुलवाओ, इस प्रकार का वो है। कोई भी आज ऐसी स्थिति है कि सब कुछ मजदूर किसान कर्मचारी सब वर्ग जो है सरकार से आहत है और सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। क्या लगता है आपको, जो आज आप ये पैदल मार्च करने जा रहे हैं इनटक, जो किसान और मजदूर आए हैं, उसे कितना प्रभाव पड़ेगा आंदोलन में? इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्यों, हर वर्ग इसे दुखी है और जो किसानों का समर्थन हम पहले करते रहे और आज पैदल यात्रा कर दासा बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पैदल यात्रा करी है और सरकार को सदबुद्धि आए कि जो किसान ठंड में मरे, 50 के तकरीबन किसान शहीद हो चुके हैं, उनके भी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की, चरणों में स्थान दे। और आज जो मीटिंग होने वाली है, जो मंत्री बैठे हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि किसानों की स्थिति देखते हुए इसका समाधान किया जाए, तीनों काले काले वापस लिए जाए ताकि जो माहौल बढ़ा हुआ है वो ऐसे बना रहे, नहीं तो माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। चौगड़े से सारे बॉर्डर सील किए हुए हैं और अगर आज समाधान नहीं हुआ तो किसान जो भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे उसमें भी इंटक बढ़ चढ़ कर भाग लेगी।